एवरीवन, सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा मेकअप लुक और ये वीडियो अलग से आएगी। तो सबसे पहले अक्षी क्या कर रहे हो? अक्षी लगा रही है लेंस, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बट इसी की जिद पे कि नई दी लेंस ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो भाई लगा डालो। नीचे नहीं। रुको, थोड़ा सा लगेगा बट मम्मी लग गया। भी नहीं लगा भी। तू लगेगा तो थोड़ा सा दर्द होगा। दर्द होगा? थोड़ा सा दर्द होता है स्टार्टिंग। क्या ही है, पहली बार देखते हैं। अगर मैं अंधी हो गई तो कुछ भी नहीं होगा। मैं लगाती हूँ लेंस, लगा के मेकअप करती हूँ। इधर की साइड देखो ना, थोड़ा सा ऐसे करो, इधर उधर करो आई इसको। हाँ। प्यारी लगेगी लेकिन प्यारी तो तब लगेगी ना जब आँख खुलेगी। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है ना आपका, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, मतलब 5-10 मिनट, 1 घंटा तो रहेगा थोड़ा सा, बाकी उसके बाद में सेट हो जाते। अभी रो लो थोड़ा सा। भाई मेरे को नहीं लगवाना है, तो इतना दर्द हो रहा है इसमें। अभी थोड़ा सा झेल लो। अभी से ही अच्छी लग रही है। थोड़ा सा इसको वहां रखो, ये रखा यहाँ पे, ठीक है। रो रही हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। इतना गंदा मेकअप करने वाली है, इसलिए सोच के पहले से मैं इमोशनल हो गई। सबसे पहले क्या कर रहे हो अक्षी, ये बताओ? क्लींजिंग। तो सबसे पहले अक्षी कर रही हूँ फेस को क्लीन लेंस लगाने के बाद। अच्छी लग रही है आंखें मेरी? कमेंट में बताना अगर अच्छी लग रही है, तो फिर मैं आगे और ट्राई कराऊंगी इस तरीके के लेंस वगैरह। टेस्ट नहीं कर रही फेस। देखो टाइम क्या हो रहा है बताओ, तेज बोलो। मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ मैं, तेज नहीं बोल पाती यार दीदी। तो अब अक्षय यूज कर रही है मॉइस्चराइजर। ये सारी चीजें मेकअप करने से पहले क्यों की जाती है, कुछ बता सकते हो? क्लीन करने के लिए फेस। अच्छा। और क्या बोलते हैं, ताकि हमारा मेकअप क्लीन हो जाए और जो मेकअप हो वो लॉन्ग लास्टिंग जाए, इसीलिए ये सारी। देन यहाँ पे लगा रही है कंसीलर। अगर किसी के डार्क सर्कल्स ज़्यादा हैं, जैसे कि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है, तो मुझे कंसील हमेशा ही करना पड़ता है। सबसे पहले कंसीलर लगाती हूँ मैं, जिससे कि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो चीज़ हाइड हो जाए। और आपको भी ट्राई करना चाहिए, तो ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर होता है, उसको आप गीला कर सकते हो और ऐसे आईज़ के ऊपर लगा लो। इससे एक और चीज़ होती है, जो आई शेडो होता है ना वो परफेक्ट दिखता है जब अप्लाई करो, तो ब्लेंड भी अच्छे से होता है। और यहाँ पे ये बेस है, ये बेस मैं भी यूज़ करती हूँ शादी के टाइम से ही, और मुझे ये बेस काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये भी इसके ऊपर अप्लाई किया है। तो एक ना लेयर बनाई जाती है मेकअप की आईज़ के ऊपर, जिससे कि जब आप आई शेडो लगाओ, कॉम्पैक्ट लगा रही है यहाँ पे, तो आई शेडो लगाओ तो वो ना एक अलग से उघरा सा मतलब दिखे, नज़र आए, इसीलिए ये बेस बनाया जाता है। एंड लेंस सही में बहुत सही लग रहे थे मेरे आईज़ में। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, ऐसा लग रहा था कि अच्छे नहीं लगेंगे, पर अच्छे लग रहे थे। एंड अभी आईब्रोज वगैरह इन्हें लास्ट में करेगी, तो सबसे पहले पिंक कलर का लिया और इस तरीके से ब्लेंड किया। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप में ब्लेंडिंग, कोई भी मेकअप हो उसमें अगर आपने ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं की है तो वो मेकअप बहुत अजीब लगेगा, ऐसे ऊपर से दिखेगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो वैसे अक्षी की आईज़ बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा आईज़ करती है, मेकअप भी काफ़ी अच्छा करती है, जैसा आप बोलोगे वैसा कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अक्षी के इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग जाके अक्षी को अपने घर बुला सकते हो मेकअप, या अक्षी के घर जाके करवा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करवा सकते हो। तो मेरा जैसा कि गाउन था ग्रीन, तो इसने ने पिंक कलर का लिया था, और पिंक और ग्रीन का टच था जो आईज़ पे अप्लाई किया था।
सो फाइनली मेरा मेकअप है वो हो गया है कंप्लीट। अब मैं जा रही हूँ ड्रेस पहनूंगी और ड्रेस पहनने के बाद कराऊंगी हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल का पूरा अच्छे से डिटेल में शेयर नहीं करूँगी क्योंकि कैमरा कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए मुझे खुद ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसलिए नहीं कर पाऊँगी पूरा हेयर स्टाइल का शूट। तो इसीलिए मैं मिलती हूँ आपसे पूरा रेडी होके। तो अभी तक इतना कंप्लीट हुआ है, इतना अच्छा लग रहा होगा।